हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि लड़की को ऐसे लाइन मारोगे ना तो वो आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही खास तरीके बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको लाइन मारनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको लाइन मारनी नहीं आती, ठीक है। तो बहुत से ऐसे लड़के होते हैं ना जो गलत वे में लाइन मारते हैं, जिससे वो सिर्फ लाइन ही मारते रहते हैं, लड़की किसी और के साथ चली जाती है। तो आज के इस वीडियो में ना आपको सही तरीका कि आप किस किस तरह से लाइन मार सकते हैं एक पॉजिटिव वे, जिससे एक अच्छा रिजल्ट आपको मिले और जब आप उस लड़की को प्रपोज करो तो वो लड़की आपको रिजेक्ट ना करे। हेलो गाइस, अगर आप ब्लॉग व्यू देख रहे हैं तो प्लीज मेरा ब्लॉग चैनल भी चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अच्छा लगे तो प्लीज उस चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट करें। आइए जानते हैं कौन सा वो तरीका है। तो सबसे पहला, ठीक है, उसे लाइन मारने के लिए ना आप उसको थोड़ा सा समझने में उसको टाइम दो, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपको लड़की अच्छी लगी और आप लाइन मारना शुरू कर दिया, उसको देखना शुरू कर दिया, उसको दाढ़ी से ना आप उसको देख देख के अपनी आंखें सेक रहे हो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने इस वे में उसको लाइन मारी ना, तो बेशक वो थोड़े टाइम के लिए आपको नोटिस करेगी, लेकिन दोबारा वो आपके सामने पढ़ने से भी कतराएगी, क्योंकि वो आपको देखना भी पसंद नहीं करेगी। तो उसके लिए आप किस तरह से लाइन मारे, पहले आप उसको जाने समझें। क्यों? देखो, हर लड़की का नेचर अलग अलग होता है। देखो, सपोज करो, मान लो कि एक ऐसी लड़की है जो बहुत ज्यादा शर्मीली है, उसके सामने अगर आप फ्लर्ट करोगे, उसके सामने अगर आप उसे कमेंट पास करोगे लाइन मारने के लिए, तो वो आप में इंटरेस्ट दिखाएगी? नहीं दिखाएगी, क्योंकि उसका नेचर जो है शांत स्वभाव का है, ठीक है। वो थोड़ी सी शाय है, उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको लाइन बांधने के लिए आपको एक अलग तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आंखों से अपने दिल की बात कह सकते हो आई कांटेक्ट के जरिए, या फिर कोई और वे ढूंढ सकते हो, ठीक। तो लड़की के नेचर पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लाइन मारें। अगर बहुत ज्यादा बोल्ड लड़की है, ठीक है, काफी ज्यादा ऐसी है, अपग्रेड है, उसको लाइन मारने के लिए अगर आप आंखों आंखों से बात करोगे ना, तो बात जल्दी नहीं बनेगी, क्योंकि वो खुद उसका माइंड बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। हर चीज को देखकर, नेट पे हो गया, वेब सीरीज को देखकर वो काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है। तो बोल्ड लड़की को भी इम्प्रेस करने के लिए, उसको लाइन मारने के लिए आपको अलग वे में लाइन मारनी होती है, ठीक है। तो ये चीज डिपेंड करती है उस लड़की के ऊपर, आप किस लड़की को लाइन मार रहे हो। तो सबसे पहले जब लाइन मार रहे हो ना, तो आप पहले ये जानने की कोशिश करो कि लड़की किस नेचर की है, उसके बाद आप ट्राई करो। नॉर्मली लाइन मारने का तरीका तो यही होता है कि देखना, देखकर स्माइल करना, यही होता है। बट लड़की के नेचर पे डिपेंड करता है कि उसको आपका तरीका पसंद आएगा या नहीं। इसके अलावा दूसरा वे है कि आप हेल्प करने के बहाने भी उसको लाइन मार सकते हो। देखो, लाइन मारना कहीं ना कहीं यही होता है कि आप किसी न किसी तरह से या किसी न किसी ऐसे काम से अपनी फीलिंग किसी को दिखा रहे हो, ठीक है। तो आप हेल्प करके या उसको उसका फेवर करके भी आप उसको ये जता सकते हो कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो, ठीक है। और अगर उस लड़की को आपका ये अंदाज पसंद आया कि आप उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़कर उसको सपोर्ट कर रहे हो, उसकी मदद करने के लिए तैयार हो, तो मे भी वो आप में इंटरेस्ट दिखाएगी। क्योंकि जो इंसान बहुत ज्यादा हेल्पिंग नेचर का होता है, पता है उसकी खास बात क्या होती है? कि बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। वो बेशक उस चीज से वो दूसरों की मदद क्यों करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस इंसान की मजबूरी को समझता है कि उसको इस चीज की अगर जरूरत है, मदद की जरूरत है, तो वो उस चीज को खुद पर अप्लाई करके देखता है कि अगर इसकी मदद कर दो तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और इस वजह से वो उसकी मदद करता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो है ना बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं, और लड़कियां हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहती हैं कि जो उनको समझ सके, ठीक। इसके अलावा तीसरा तरीका जो बहुत ही कॉमन है, आप हंसी मजाक के जरिए, डबल मीनिंग की बातों के जरिए, या फिर फ्लर्ट के जरिए लड़की को लाइन मार सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल, बहुत इजी वे होता है किसी लड़की को लाइन मारने का। तो अगर आप इस वे से लड़की को लाइन मारोगे ना, तो लड़की कभी रिजेक्ट नहीं करेगी, बट हाँ, एक लिमिट में, एक हद में रहकर, ठीक है। पहले आप उस लड़की को जानो, समझो वो लड़की कैसी है, उसका नेचर कैसा, उसके बाद आप जैसे मर्जी लाइन मारोगे ना, उसका असर आपको जरूर दिखेगा, उसका अच्छा रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।